क्या वियाग्रा टेबलेट आपकी जान ले सकती है? इसके बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति अज्ञ महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। 45-50 साल का व्यक्ति अचानक रात को 1-2 बजे नींद में से उठ जाता है। उसको सीने में दर्द होता है, एकदम एक्यूट चेस्ट पेन, और उसको तुरंत उसके घर वाले आसपास के कोई डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं। अर्थात जब रात को 1 या 2 बजे किसको ऐसा चेस्ट पेन हो रहा है तो डेफिनेटली ये अटैक का बिल्कुल लक्षण हो सकता है, और वो अटैक होने का पूरा पूरा चांस है। हो सकता है कि वो डॉक्टर उसको वो अटैक समझ के सॉर्बिट्रेट की या नाइट्रेट की गोली खिला दे, और वो गोली खाने के बाद में, वो गोली जवान के नीचे रखी जाती है, और वो गोली खाने के बाद में तुरंत वो पेशेंट मर जाएगा। एकदम सडन उसका ब्लड प्रेशर डाउन हो सकता है, हो सकता है हाइपोटेंशन होता है और उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है कि इतनी हड़बड़ में डॉक्टर ये पूछता नहीं है या रिलेटिव ये बोलते नहीं है कि भाई, या वो खुद पेशेंट भी बोलता नहीं है कि रात को मैंने सेक्स करने के पहले वायग्रा की टैबलेट ली थी, सिल्डानाफिल ली थी, टाडालाफिल ली थी, और उससे अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है, ये किसको मालूम नहीं है। क्योंकि ये बहुत लीथल कॉम्बिनेशन है। आप सिल्डानाफिल, टाडालाफिल और नाइट्रेट, इधर मतलब हार्ट के लिए जो दवा दी जाती है, ये आप एक साथ लेते हैं तो ब्लड प्रेशर खटाक से डाउन हो सकता है, और ब्लड प्रेशर डाउन होकर जान को भी खतरा हो सकता है, स्पेशली रात को। और डॉक्टर को समझेगा भी नहीं, वो बोलेंगे कि भाई ये तो अटैक आके पेशेंट मर गया। एक्चुअली अटैक आके पेशेंट मरा ही नहीं है, वो सॉर्बिट्रेट दिया, उसे तो अटैक जाना चाहिए, खत्म होना चाहिए अटैक, मगर भी सॉर्बिट्रेट दिया तो उसका बीपी खटाक से डाउन हो गया। क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है वो गड़बड़ वाला है। कभी भी आप देखो, जब भी ऐसा कभी किसी को होता है, जो भी सिल्डानाफिल, वायग्रा, टाडालाफिल लेने वाले जो लोग हैं, जो 45-50 ये उम्र में है और वो ले रहे हैं, तो आपने पक्का चेस्ट पेन कभी होता है, डॉक्टर को बोलना कि मैंने वो गोली ली हुई है, ऐसा पहले बताना जरूरी है, नहीं तो ये जान को खतरा हो सकता है। तो आपने ये जानकारी अवश्य लोगों को देना जो भी ले रहे हैं, क्योंकि लोग सिल्डानाफिल जो है वो बिना डॉक्टर की सलाह लेते रहते हैं, ओवर द काउंटर सेल होता है। सिल्डानाफिल का इफेक्ट पूरा खत्म होने के लिए समझो 5 से 8 घंटे लग सकते हैं, और उसके बाद में फिर धीरे धीरे इफेक्ट कम हो जाता है। मगर टाडालाफिल ली होंगी तो उसका इफेक्ट जो है वो 24 से 36 घंटे तक हो सकता है, उससे भी बीपी डाउन हो सकता है। तो ये आपने प्रिकॉशनरी मेजर करके ध्यान में रखना है, और कभी भी डॉक्टर के पास में आप जाते हैं तो उसमें डॉक्टर की गलती नहीं है, चेस्ट पेन हो गया तो नाइट्रेट देने वाली है, और उनको यदि बताया नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।